Hello, good morning, student. Good morning, everybody. Student, now we have learned about the finding the value of the acceleration due to the gravity. Acceleration due to the gravity. Actually, in our previous period, we have learned there finding the value. Yes, that is an acting force in between Mahindra and Earth. Just okay. Means when we have calculated the value, acting force in between two objects. Yes, as well as we have calculated the value is as an object and Earth. Means any object in universe and Earth. That's now specially our Mother Earth. In between our Mother Earth is and Mahindra. In between them, attracting force we have calculated by using the universal law of gravitation. Universal law of gravitation, that is F is equal to G into M1 M2 upon R square. तो देखिए बेटा वो हमने लर्न किया. तो आज के टॉपिक में हम देखने जा रहे बेटा इस वैल्यू ऑफ द एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. ये हमें लर्न करना है. तो इसके लिए देखिए बेटा कुछ हमें ये वैल्यू तो डिराइव करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें कुछ टर्म्स, फंडामेंटल कुछ नेसेसरी टर्म्स है, उसे हमें पहले ज्ञात करना है. तो देखिए बेटा हम कुछ स्लाइड यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस स्लाइड को लेकर इसके फंडामेंटल टर्म्स हम यहाँ पे देखेंगे. तो देखिए बेटा यहाँ पे मैंने स्लाइड दी वाली एक सिंपल सी एक स्लाइड है बेटा. इस स्लाइड में हमें अपना एस्पेक्ट क्या है, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सलरेशन, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सलरेशन, इसी को हमें यहाँ पे लर्न करना है. तो देखिए कुछ ऐसे पिक्चर दिए वाले. इस पिक्चर में एक यहाँ पे बॉय है या ह्यूमन है ना. तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, उसके हाथ से एक ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरा है, और जैसे ऑब्जेक्ट गिरा है तो वही नीचे की तरफ टुवर्ड द अर्थ सरफेस वो ऑब्जेक्ट फॉल डाउन होते हुए दिखाई दे रहा है ना. वो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ, ऊपर की दिशा में वर्टिकली जाएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं, कोई भी चीज. देखिए बेटा इसी को लेकर हमने तो पहले देखा ही है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे फॉल डाउन होगा तो अर्थ सरफेस की ओर ही आते हैं. तो एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट बाय अर्थ, एवरी ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट बाय द अर्थ. ऐसा क्यों होता है बेटा, बिकॉज अर्थ एग्जिस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स है ना. हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ क्या करती है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स को एग्जर्ट करते, एग्जर्ट करना, एग्जर्ट करना यानी कि लगाना, समझ में आता है. तो दिस इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अर्थ. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर, अट्रैक्टिंग फोर्स को लेकर हमने यहाँ पे देखा था, समझ में आया बेटा. तो इससे हमें इस चित्र से क्या पता चलता है बेटा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स अर्थ की तरफ यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, खींचा जाता है. इसके पीछे रीजन क्या है बेटा, दैट इज अ पुलिंग फोर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है. और हमें ये बात पता चलती है कि अर्थ एग्जर्ट द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो इनवर्स, इनवर्स में उसे वो अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट कर लेता है. तो देखिए बेटा दूसरा पिक्चर यहाँ पे है, एक सिंपल सा पिक्चर है. जैसे देखिए बेटा एक स्मॉल बॉय है, छोटा सा बच्चा है, वो अपने जैसे कि वो टॉय, जैसे कि एक ट्रे है, जैसे कि टॉय खिलौना है, जैसे अभी उस टॉय ट्रॉली बोलेंगे हम उसको, एक टॉय ट्रॉली, और उसी टॉय ट्रॉली में बैठा वाला है, और पीछे उसके दो फ्रेंड उसे क्या करे बेटा, दे एक्सर्ट द फोर्स, दे पुल द फोर्स, दे यूज द पुलिंग दैट ट्राई कार्ड. उस ट्राई कार्ड को क्या करे बेटा, पुल करे, पुल ऑफ करे. और जैसे ट्राई कार्ड को पुल किया जाता है, तो जैसे पुल करते हैं तो एक्टिंग फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, और उसी एक्टिंग फोर्स जिस दिशा में अप्लाई होता है उसी दिशा में वो जो कार्ट है, टॉय कार्ट है, वो क्या होगी बेटा, वो कार्ट आगे चलेगी उसी दिशा में, फोर्स की दिशा में, समझ में आ रहा है बेटा. तो लेकिन जैसे टॉय कार्ट, जैसे उसे हमें अप्लाई कर रहे फोर्स को, पुलअप कर रहे, तो एक्चुअली उसी समय जो टॉय कार्ट में बैठा वाला जो बच्चा है उसी को देखिए बेटा, यहाँ पे हमें वर्टिकली एक एक्टिंग फोर्स यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देता है, वो ग्रेविटेशन फोर्स है.
समझ में आ रहा है बेटा, वो ग्रेविटेशन फोर्स थोरेटिकली काम कर रहा है टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ सेंटर, टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ सेंटर। तो यहाँ पे देखिए बेटा, फोर्स अप्लाई भी हो रहा है और यहाँ पे जैसे कि एक्शन रिएक्शन फोर्स, देखिए बेटा यहाँ पे दो लाइन्स यहाँ पे दर्शाए, जैसे कि एक नीचे एरो इंडिकेट किया वाला है और एक ऊपर की दिशा में एरो इंडिकेट किया वाला है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे जैसे काम करता है, तो दोनों के बीच में ये बनता है, ये हमें बात यहाँ पे पता चलती है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स उस कार के ऊपर अट्रैक्ट होता है, ये हमें यहाँ पे क्लियर होता है। तो इस दूसरे उसी सेम पिक्चर में देखिए बेटा, एक दूसरा सिचुएशन है जो कार्ट एक गोइंग फॉरवर्ड इन डायरेक्शन, बट उसका जो फ्रेंड है, यस इट्स अ फ्रेंड फ्रेंड यस ही अप्लाई द फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ही ट्राई टू स्टॉप टू दैट ट्रेवलिंग कार्ट। वो ट्रेवलिंग कार्ट जैसे कि वो गतिमान है लेकिन उसे स्टॉप करने का वो प्रयास कर रहा है, तो प्रयास कर रहा है, तो प्रयास करते समय भी वो फोर्स को अप्लाई करता है, और जैसे फोर्स अप्लाई करता है तो देखिए बेटा वो एक अपोजिट फोर्स जैसे कि उसको अपोज कर रहे हैं। तो उस कार्ड की जो दिशा होगी, पहले वाली दिशा कैसी थी बेटा, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और इसकी भी दिशा है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कार्ड मूव करेगी, लेकिन उस बच्चे ने यहाँ पे जैसे कि बैकवर्ड फोर्स को यूज किया है। जैसे देखिए बेटा, वो आगे की तरफ, पहले वाले पिक्चर में आगे थी, आगे की तरफ वो फोर्स को अप्लाई कर रहा था, तो इसलिए वो कार्ड आगे की तरफ यहाँ पे मूव कर रही थी, लेकिन जैसे गतिमान कार्ड को जैसे पीछे खींचता है तो वो उनकी जो दिशा होती है, जैसे यहाँ पे क्या हो रही बेटा, कम होती है, जैसे कि एक्सलरेट, जैसे कि यहाँ पे देखिए बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन डायरेक्शन वो कैसा होगा उस कार्ड का, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक बात पता चलती है कि यहाँ पे एक्सलरेशन किसी, जैसे कि कोई बॉडी के ऊपर हम जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए, कोई बॉडी के ऊपर जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है बेटा, जैसे कि बॉडी हो या ऑब्जेक्ट, वो एक्सलरेशन वो प्ले करती है, एक्सलरेशन बताती है। समझ में आ रहा है, कोई भी बॉडी के ऊपर जैसे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी एक्सलरेशन शो करती है, ये हमें यहाँ पे पता चलता है। तो देखिए, तो इसी को हमें पढ़ने के लिए, थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, न्यूटन सेकंड लॉ, ये हमें यहाँ पे बहुत ही काम देगा। जैसे कि देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ में हमें फॉर्मूला मिला था, जैसे एफ इज इक्वल टू एम इन टू ए, एम इन टू ए, इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये देखिए एफ इज इक्वल टू ए, एरो जो दिख रहा है ना, ये देखिए एरो, तो एफ इज इक्वल टू एम ए आ रहा है। तो हम जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो फोर्स होता है वो मास के अकॉर्डिंग, जैसे ऑब्जेक्ट के मास के अकॉर्डिंग होता है, और जैसे हम वो फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी क्या करती है बेटा, एक्सलरेशन बताती है। जैसे कि देखिए बेटा, हमें कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट, उसे हमें पिकअप करना है, तो देखिए बेटा हम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट कितना है, जैसे छोटा है, उसे अकॉर्डिंग वो है अप्लाई द फोर्स देयर। लेकिन कई कभी कभी अपनी अपनी मम्मी या अपने पिताजी हमें बड़ा सा ऑब्जेक्ट या टेबल हो या कोई फर्नीचर हो, उसे एक जगह से लेकर दूसरे जगह उसे उठाने के लिए बोलते हैं, तो देखिए बेटा हम पहले से वो क्या करते हैं बेटा, फोर्स, ज्यादा फोर्स वहां पे अप्लाई करना पड़ता है, तो पहले से हम वो तैयार होते हैं कि वो कितना फोर्स वहां पे लगाना होता है, या हम यहाँ पे पहले महसूस करके वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। जसं मराठीमध्ये सांगायचं तर, टेबल लाला उचलायचं असेल तर आम्हाला किती फोर्स लावून आपण त्याला उचलतो बघा, आणि एखादं लहान बाळ असतं त्याला जर आपल्याला उचलायचं असेल तर आपण अगदी सहज उचलतो त्याला, अगदी झटकन तितकंच फोर्स आपण अप्लाय करतो। आता लहान बाळाला उचलण्यासाठी जितकं फोर्स अप्लाय केलं तितकं तुम्ही टेबलला पुटअप करण्यासाठी यूज केलं तर चालेल का, नाही। समज में आता है। तो उसी तरह से यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दैट ऑब्जेक्ट, उसका जो मास होता है उसी मास को लेकर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बॉडी जैसे मास ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो बॉडी यहाँ पे एक्सलरेशन बताती है। समझ में आता है बेटा। तो इस तरह से हमें देखिए बेटा, तो ग्रेविटेशन फोर्स, तो यहाँ पे जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स होता है ड्यू टू द अर्थ, देखिए बेटा ड्यू टू द अर्थ, ऐसा क्यों बताया, क्योंकि अर्थ के द्वारा ही फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है बेटा, इसका रिजल्ट हमें मिलता है एक्सलरेशन। कोई भी बॉडी के ऊपर जैसे फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो बॉडी एक्सलरेट होती है, और जैसे ही एक्सलरेट होती है तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है बेटा, एक्सलरेशन के फॉर्म में मिलता है।
एक्चुअली इसी को हम जैसे एक्सेलरेशन बोला गया है, अभी ये हमें क्यों मिल रहा है बेटा, ड्यू टू द ग्रेविटी के कारण ही एक्सेलरेशन यहाँ पे मिल रहा है, बन पा रहा है। चलिए तो इसी तरह से हमने यहाँ पे ए बॉडी का, बॉडी के ऊपर होने वाले फोर्स को लेकर एक्सेलरेशन कैसे बनता है इसको हमने यहाँ पे ज्ञात कर लिया है। एक्चुअली देखिए बेटा, इस चित्र में हमें ये भी बात पता चली है कि जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पे काम करता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है टूअर्ड द सेंटर, कहाँ पे होता है बेटा, टूअर्ड द सेंटर। देखिए यहाँ पे मैंने एरो के द्वारा, देखिए मेरा ये कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस कर्सर के द्वारा एरो मैंने दो तरह से इंडिकेट किए है, ऊपर वाला एक एरो है और जैसे नीचे वाला एरो है, और दो ही एरो ये क्या बताते हैं बेटा, जैसे कि बॉय की, जैसे कि बॉय का जो मास है और अर्थ का मास है, तो ये दोनों की तरफ एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं। एक्चुअली अर्थ इस साइज इज वेरी ह्यूज इन साइज, और बॉय का जो साइज है उसका मास है बहुत ही कम है, निकलिजिबल, नथिंग वन देयर, तो यहाँ पे अट्रैक्शन जो बनेगा, तो एक्चुअली पुलिंग फोर्स यहाँ पे अर्थ का ज्यादा, यहाँ पे हमें पुलिंग फोर्स मिलता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे अर्थ के द्वारा हम बनते हुए दिखाई देता है, और उनकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, दैट इज अ सेंटर, सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, ध्यान दीजिए बेटा, इसी को हम रेडियस बोलते हैं। तो ये जो रेडियस होता है वही ऑब्जेक्ट, यानी कि वो बॉय, जो जो छोटा बच्चा जैसे कि टॉय कार्ट में बैठा वाला है, और अर्थ अपनी जो सेंटर है, इनमें जो बनने वाला रेडिया मिलता है, ये रेडिया ही उनमें दो ऑब्जेक्ट के बीच में मिलने वाला डिस्टेंस होता है। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये हमें यहाँ पे ग्रेविटी के कारण ही बनता है, और ग्रेविटी के कारण ही हमें एक्सेलरेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन कब बन पाएगा? जब तक हम कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, एक्सेलरेट हो पाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? तो ये जो एक्सेलरेशन होता है इसकी जो दिशा हमें वर्टिकली डाउनवर्ड में दिखाई देती है, वर्टिकली डाउनवर्ड में। तो देखिए बेटा, हम अभी अपने सेकंड स्लाइड में आते हैं। तो सेकंड स्लाइड में देखिए बेटा, अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे थिंक करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन दिए वाले हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो ग्रेविटी, ग्रेविटी न हो तो क्या हो सकता है। जैसे हम देखिए बेटा, जैसे कि एक ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये केवल हमें पृथ्वी के जैसे अंदर मिलने वाले, जैसे कि ये जैसे फंडामेंटल फोर्स है पृथ्वी का, यूनिवर्सल फोर्स हम बोलते हैं इसे, और ये यूनिवर्सल फोर्स है, ग्रेविटी न हो तो क्या होगा, शायद सोचिए क्या होगा बेटा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली तो ग्रेविटी नहीं होगी जैसे कि पृथ्वी के अंदर, ये जो फंडामेंटल फोर्स है जैसे कि यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अर्थ, ये नहीं होगा तो क्या होगा बेटा, जैसे कि ह्यूमन है और दूसरे कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि अदर ऑल लिविंग थिंग्स, वो पूरी तरह से कैसे बन जाएगी बेटा, वेटलेस, उनका कोई वेट ही नहीं होगा। क्योंकि देखिए बेटा, हर एक ऑब्जेक्ट का वेट कैसे डिपेंड किया जाता है बेटा, हमने नाइन्थ में पढ़ा था, जैसे कि कोई भी वेट हमें फाइंड आउट करना हो तो बॉडी का मास और उसके ऊपर अप्लाई होने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, है ना, तो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो ही मल्टीप्लीकेशन उस बॉडी का वेट होता है। एक्चुअली ग्रेविटी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट का वेट ही हमें महसूस नहीं होगा, वेट ही नहीं होगा, समझ लेना। जैसे पहा, म्हणजे पृथ्वीच्या, जसं आपण कुठलीही वस्तू जी असते तर त्या वस्तूचं वजन म्हणजे काय, तर वस्तूच्या म्हणजे आतमध्ये असलेलं त्याचे जे मास असतं त्याला आपण बायोमास म्हणतो, जैसे मास और उसके ऊपर काम करने वाला अट्रैक्ट, जैसे कि ग्रेविटेशन फोर्स, इनका मल्टीप्लीकेशन होता है, वो मल्टीप्लीकेशन जो प्रोडक्ट मिलता है वही उसका वेट होता है। एक्चुअली तो ग्रेविटी नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट का वेट ही नहीं होगा, देखिए कितनी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी यहाँ पे, सिंपल है ना। चलिए और दूसरे देखिए बेटा, दूसरा भी एक मैं यहाँ पे बताऊंगा, दूसरा जैसा अलग अलग हम यहाँ पे अभी जैसे आंसर फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ये पहला एग्जांपल, अभी दूसरा वाला एग्जांपल। तो दूसरे एग्जांपल में देखिए बेटा, एटमॉस्फेयर, अपने आजू बाजू में जो एटमॉस्फेयर होता है, देखिए बेटा कल हमने देखे थे कि जैसे हम अर्थ को जैसे लर्न करते हैं, तो अर्थ में देखिए बेटा अलग अलग स्फीयर है, जैसे बायोस्फीयर है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है ना, तो ये अलग अलग स्फीयर हम, एटमॉस्फीयर है, ये अलग अलग स्फीयर हमें दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से एटमॉस्फीयर भी
कंप्लीटली गोज टू डिसअपीयर हियर. जैसे कि ग्रेविटी नहीं होगी तो एटमोसफियर भी नहीं होगा. क्यों एटमोसफियर नहीं होगा? क्योंकि एटमोसफियर में जो कुछ हवा है, जो भी कंटेंट ऑफ एयर है, वो पूरा क्या होगा बेटा, स्प्रेड इन टू द स्पेस, है ना. ये पूरा जो जो ग्लोबल जैसे है, पूरा स्पेस में क्या होगा बेटा, यहाँ पे वो बिखर जाएगा. क्योंकि ग्रेविटी के कारण ही एटमोस्फियर को अर्थ के जो बाउंडिंग में उसे बाइंड करके रखा है. कल हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स में देखा था, है ना. ये एटमोस्फियर ये क्यों दिखाई दे रहा है, बल्कि ओनली ग्रेविटेशन फोर्स के कारण. जैसे ग्रेविटी नहीं होगी तो एटमोस्फियर भी नहीं होगा. एटमोस्फियर नहीं होगा इसका मतलब, जैसे एटमोस्फियर में भी जो कुछ हवा है वो क्या होगी बेटा, टोटली गोज टू द डिसअपीयर एंड इट इज टोटली रैंडमली. जैसे वो क्या होगी, जैसे कि वो स्प्रेड होगी, जैसे स्पेस में कहीं भी ऐसी रैंडमली हमें बिखरी वाली मिलेगी. जैसे वो एटमोस्फियर बन ही नहीं पाएगा अर्थ के बाजू में, वो स्पीयर हमें मिलेगा ही नहीं, ठीक है. क्योंकि उस स्पीयर को बैंड में रखने के लिए कौन हमें मदद करता है, तो ओनली ग्रेविटी. इसके बाद एक बेटा तीसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे, अर्थ इटसेल्फ वुड मोस्ट लाइकली ब्रेक अपार्ट चंक्स एंड द फ्लोट्स. जैसे अर्थ भी, हम अर्थ को देखते हैं अभी, तो अर्थ क्या होगी बेटा, अर्थ हमें एक स्पीयर स्पीयर जैसी है, तो ये स्पीयर क्या होगा बेटा, स्प्लिट आउट होगा. जैसे कि वो ब्रेक होगा, उसमें से वो क्या होगी, बाइंड नहीं रह पाएगी. और बाइंड नहीं रह पाने के कारण मोस्टली वो क्या करेगी बेटा, जैसे कि वो ब्रेक होगी, स्प्लिट अप होगी. और जैसे ही ब्रेक होगी तो अपार्ट टू द इन टू द चंक्स, अलग अलग ऐसे टुकड़े टुकड़े बिखर जाएंगे. और वो सारे बिखरे हुए टुकड़े ऐसे स्पेस में इधर उधर घूमेंगे, जैसे कि वो वेटलेस होते हैं. एक्चुअली उसके ऊपर ग्रेविटी काम नहीं करी, तो अर्थ को देखिए बेटा, ग्रेविटी काम करने के कारण उसके जो यूनिफॉर्मिटी जैसे स्पीयर हमें दिखाई देता है, इसके पीछे रीजन केवल ग्रेविटी ही है. अभी बाद में देखिए बेटा, हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं. तो सेकंड क्वेश्चन में व्हाट वुड हैपन इफ द वैल्यू ऑफ द जी, दैट इज अ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी, ये हम जैसे डबल करेंगे उसको, वी मेक इट्स अ ट्वाइस एज अ लार्जर, तो क्या होगा देखिए बेटा. तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो हमें हेनरी कैविडिश ने दिया था, तो वो उस वैल्यू को 6.67 इनटू द 10 रे टू द माइनस 11, उस वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, ट्वाइस करेंगे. और जैसे हम ट्वाइस करेंगे एज ए लार्ज करेंगे, तो उसके इफेक्ट क्या बनेंगे, तो इसका इफेक्ट क्या बनेगा बेटा, जैसे देखिए बेटा, ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू जैसे ट्वाइस की जाएंगी, तो नेचुरली ऑब्वियसली ऑफकोर्स हमें क्या मिलेगा बेटा, तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इट्स बिकम डबल, दैट इज इंक्रीज, इट बिकम डबल, ये डबल हो जाएगा. देखिए बेटा, तो यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर स्लाइड्स के द्वारा बताने का भी प्रयास किया है, ठीक है. जैसे ये अर्थ है, जैसे कि अलग अलग यहाँ पे प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट जैसे ऑर्बिटल, इसका उनका जो डेफिनेट ऑर्बिट है वो रिवॉल्व अराउंड द सन, लेकिन वो डेफिनेट ऑर्बिट रिवॉल्यूशन जो डेफिनेट ऑर्बिट है वो यहाँ पे बताया गया क्या, ग्रेविटी न हो तो नहीं, समझ में आता है. ये एटमोसफियर देखिए बेटा, नेचर जो हमें आज दिखाई दे रहा है, इस नेचर में हम खूब अच्छी तरह से अनुभव करते हैं, तो ये अनुभव हमें होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एटमोसफियर ही नहीं होगा, तो लाइव ही नहीं होगी, ठीक है बेटा. तो ऐसे यहाँ पे हमें अलग अलग एग्जाम्पल दे के एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं सिंपली. चलिए एक्चुअली अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशन एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, दैट इज अ स्मॉल जी. देखिए बेटा, ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट एक कैपिटल जी है, और एक्सलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी दैट इज अ स्मॉल जी हियर. तो एक्चुअली हम अभी इसको फाइंड आउट करते हैं, इसको हम अभी डिराइव करते हैं. चलिए, तो डिराइव करने के लिए सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले देखिए बेटा, पहले हमने जो न्यूटन्स लॉ पढ़ा था, न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, उसको हमें छोड़ना नहीं. उस लॉ से हमें एक फॉर्मूला ऑप्टेन हुआ था, जो फॉर्मूला मिला था, जैसे कि देखिए बेटा, यहाँ पे मैं एरो इंडिकेट कर रहा हूँ, जैसे कि एरो के द्वारा माउस एरो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है. तो फोर्स इज इक्वल टू, देखिए बेटा, कैपिटल जी एम इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, दिखाई दे रहे हैं. तो ये हमें कहाँ से मिला था, जैसे कि न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ को लेकर. तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या करेंगे बेटा, अभी एक देंगे, ठीक है. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. ये हमने कहाँ से ऑप्टेन किया है, कहाँ से प्राप्त हुआ बेटा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ. चलिए, हमने नाइन्थ में देखिए बेटा, जैसे पढ़ा था कि
यहाँ पे जैसे एक फॉर्मूला है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स अकॉर्डिंग टू दैट मास, इसके मास को उसको पकड़ के हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मास, वो बॉडी, वो ऑब्जेक्ट क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है ना बेटा। तो देखिए, तो इस फॉर्मूले में हमने लर्न किया था कि एक कैपिटल जी कौन है बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है। स्मॉल, जैसे कि कैपिटल एम यहाँ पे कौन है बेटा, मास ऑफ अर्थ है, और स्मॉल एम यहाँ पे कौन है, यहाँ पे दैट इज एनी ऑब्जेक्ट मास होगा, एनी ऑब्जेक्ट मास। तो देखिए, तो हमें पता है, हमने नाइन्थ में पढ़ा था एफ इज इक्वल टू एम जी, एफ इज इक्वल टू एम जी। चलिए इसे इक्वेशन नंबर दो करेंगे। देखिए पहला वाला इक्वेशन ए फर्स्ट और ए सेकंड इक्वेशन, एक्चुअली बाय यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अभी हम दो इक्वेशन कॉम्बिनेशन करेंगे उनका, और कॉम्बिनेशन करने के बाद देखिए बेटा हमें एक अलग सा इक्वेशन मिलेगा। कैसा इक्वेशन मिलेगा, देखिए यहाँ पे हमने क्या बताया, देखिए मेरा माउस का एरो दिख रहा है, देखिए एफ इज इक्वल टू एम जी, तो एफ की वैल्यू क्या बनी बेटा, एम जी बनी ना, तो ये एम जी यहाँ पे हम पुटअप करेंगे। देखिए एम जी यहाँ पे मैंने पुटअप कर लिया है, ठीक है। फिर बाद में जैसे फॉर्मूला है, जैसे हमें जैसे न्यूटन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ में मिला था वैसे ही फॉर्मूला, जैसे कि वैसे वहां पे पुटअप करते हैं, जैसे एफ के बजाय इंस्टेड ऑफ एफ, देखिए यहाँ पे एफ है ना, इंस्टेड ऑफ एफ वी हैव पुट हियर द एम जी, तो एम जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर मिलेगा। चलिए इसे इक्वेशन नंबर तीन देते हैं, थर्ड इक्वेशन। तो ये mg कैसे है समझ में आ गया, क्योंकि mg ऐसा हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि f is equal to mg, f की वैल्यू यहाँ पे mg मिल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम mg लिखेंगे, ठीक है। f का मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, mg बन रहा है, तो mg is equal to g m m upon r square, it is equation number third। actually देखिए बेटा, तो ऑब्जेक्ट को लेकर हम यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस हम यहाँ पे अभी रेज करते हैं, जैसे कि कोई सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे बैठा वाला होता है, जैसे कि कल महिंद्रा को लेकर हमने स्टडी किया था, तो महिंद्रा अर्थ सरफेस के ऊपर बैठा था, ठीक है बेटा। तो महिंद्रा और अर्थ इनमें जो रेडिया मिलती थी, वो रेडिया ही वो कौन है बेटा, डिस्टेंस इन बिटवीन देम टू ऑब्जेक्ट, जैसे कि महिंद्रा एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है और अर्थ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो देखिए ये जो रेडियस ऑफ अर्थ, दिस इज नथिंग बट दैट इज अ कैपिटल आर, जैसे कि हम उसको डिस्टेंस बोलेंगे, समझ में आ रहा है बेटा। तो ये जो वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा, जी की वैल्यू। अभी यहाँ पे देखिए बेटा, ये एम जी मिल रहा है ना, तो इसमें से छोटा जी, तो छोटा जी हम यहाँ पे अभी फाइंड आउट करेंगे, इसको हम अभी इस वैल्यू को डिराइव करेंगे, दैट इज अ एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, समझ में आ रहा है बेटा। दैट इज अ वैल्यू ऑफ जी ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, समझ में आ रहा है। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो हमें ये फॉर्मूला मिलेगा, अभी इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए बेटा ये इक्वेशन कैसे बनेगा, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, चलिए इसे इक्वेशन नंबर फोर हम बोलते हैं। तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूट, अभी ये जो इक्वेशन मिला, सिंपली हमने ये फाइंड आउट किया, ये इक्वेशन हमें मिला है, हमने इसको फोर नंबर दे दिया है, ठीक है बेटा, फॉर आवर कन्वीनियंस के लिए। अगेन वी हैव सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक्चुअली वैल्यू तो हमें पता है, अर्थ का मास हमें पता है, अर्थ का रेडियस हमें पता है ना बेटा। चलिए तो इसी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में क्या करते हैं, पुटअप कर लेते हैं। तो जी इज इक्वल टू, देखिए जी की वैल्यू हमें तो ऑलरेडी मालूम है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, वो कितनी बेटा 6.67, देखिए ए पॉइंटर देखिए 6.67 इनटू द 10 टू द पावर -11 इनटू 6, अभी देखिए बेटा मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इनटू द 10 टू द पावर 24, तो रेडिया अर्थ की रेडिया वो हमें कितनी बनती है, 6.4 इनटू द 10 टू द पावर 6 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये वैल्यू देखिए बेटा हमने सब्स्टिट्यूट की भी कर दी है फॉर्मूले में। अभी यहाँ पे हम मैथमेटिक फंक्शन कैरी ऑन करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है, डिवाइडेशन करना है, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू मिलेगी। अभी ये जो प्रोडक्ट वैल्यू मिलती है वो कितनी मिल रही है बेटा, 9.77 इनटू द, अभी इसका यूनिट लिखेंगे हम, क्योंकि ये क्या बेटा एक्सेलरेशन है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, रिलेटेड टू द डिस्टेंस से रिलेटेड है ना। तो देखिए एक्चुअली यहाँ पे उसका यूनिट हम यहाँ पे देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आने वाली प्रोडक्ट वैल्यू 9.77 इनटू द 7 मीटर पर स्क्वायर, इतनी वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। तो देखिए अभी इसको हम यूनिट, ये यूनिट हमने कैसे यहाँ पे दे दिया है बेटा, क्योंकि ये ऐसा यूनिट है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसको लेकर, क्योंकि यहाँ पे मास हमें दिखाई दे रहा है, मास किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ए उसका मीटर में हम उसको इंडिकेट करते हैं,
तो एक्चुअली ये इसी को लेकर हमें यहाँ पे देखिए बेटा, इन दोनों को मास को लेकर और रेडियस को लेकर, ये दोनों पॉइंट्स को हमें रिस्पेक्टिवली ध्यान में लेते हुए हम उसका यूनिट क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे पुट अप करते हैं। तो यहाँ पे जी की वैल्यू 9.77 × 77 मीटर पर स्क्वायर इतनी मिलती है। ठीक है, चलिए एक्चुअली देखिए बेटा इस वैल्यू को तो हमने यहाँ पे डिराइव किया है, फाइंड आउट किया है, समझ में आ रहा बेटा। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है, तो देखिए बेटा यहाँ पे हमें कंक्लूजन ऐसे मिलता है कि एक्सलरेशन ये किसके ऊपर निर्भर होता है बेटा, वो बॉडी के मास के ऊपर निर्भर होता है। कोई भी बॉडी हो उसका मास कितना होता है इसके ऊपर निर्भर होता है, और द रेडियस ऑफ द अर्थ है ना। कल हमने महिंद्रा और अर्थ को लेकर देखा था, महिंद्रा सरफेस के ऊपर, अर्थ मदर अर्थ के अपने सरफेस के ऊपर वहां पे बैठा वाला था। ठीक है बेटा, और उनमें दोनों के बीच में एक्चुअली बैठा वाला हो तो कुछ बच्चे बहुत जैसे कि उनमें कंफ्यूजन बढ़ता है, अरे यहाँ तो अर्थ सरफेस पे बैठा है तो उसका हम रेडिया या डिस्टेंस कैसे पकड़े, तो उसका डिस्टेंस कैसे पकड़ा जाता है बेटा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है वो फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो एक्ट करता है। तो सेंटर से एक्ट करने के कारण जो रेडिया अर्थ का जो मिलता है वही वो उसका डिस्टेंस होता है, वही वो क्या होगा बेटा वहां पे डिस्टेंस होगा। तो ये हमें यहाँ पे बात पता चलती है, ये कंक्लूजन ऐसा हमें जैसे श्योरली हम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे श्योरिटी मिलती है हमें। चलिए इसके बाद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी है इस एट ए गिवन पॉइंट, जैसे अर्थ सर्फेस के ऊपर जैसे हम बैठते हो तो अलग अलग सर्फेस के ऊपर, जैसे यहाँ पे ऊंचाई के ऊपर, जैसे अलग सर्फेस भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इसी को लेकर कहाँ भी जाए लेकिन वो किसके ऊपर निर्भर होती है, मास के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है बेटा, और रेडिया के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है बेटा, और इट इज अ सेम टू ऑल ऑब्जेक्ट, कहीं भी जाओ सभी चीजों के लिए वो कैसे बन रहती है बेटा, सेम रहती है कहीं भी जाओ। वो हमें यहाँ पे 9.8 हम ऐसे लिखते हैं ना बेटा, जैसे 9 में भी हमें ये वैल्यू वहां पे हमें ड्रॉ की थी, लेकिन ये जो वैल्यू है अक्सर जैसे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू जैसे हेनरी कैविडिश ने बताई थी तो वो जैसे स्टेबल थी, इनवर्स में वो फिक्स स्टैंडर्ड वैल्यू थी, उसी तरह से जी की वैल्यू भी क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड होती है। तुम कहाँ भी किसी भी सर्फेस के ऊपर जाइए अर्थ के, तो वहां पे हमें ऑब्जेक्ट में उसमें ऐसे सभी ऑब्जेक्ट में ये वैल्यू कैसी, सभी ऑब्जेक्ट के लिए, सभी वस्तुओं या चीजों के लिए ये सेम ही रहती है। ठीक है बेटा, तो ये हमें यहाँ प्रॉपर्टी दिखाई देती है। तो इसके बाद देखिए बेटा, तो थोड़ा हम यहाँ पे थिंक करेंगे। चलिए कैन यू टेल, देखिए बेटा यहाँ पे मैंने एक तुम्हें सवाल दे दिया है, इसी को हमें अभी सॉल्व करना है। तो देखिए, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ If its mass was a twice, इसका mass twice किया जाए, तो देखिए बेटा पहले हमने क्या twice किया था? Gravitation constant को twice किया था। अब यहाँ पे mass को हम twice करने जा रहे हैं, तो twice करने के बाद क्या effect बन पाएगा? Obviously, of course हमें यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? तो gravitation force भी यहाँ पे उतना ही ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे रेडियाई भी कम हो रही है और मास भी ज्यादा होता है। जितना ज्यादा मास होता है उतना ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स होता है। देखिए बेटा, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिंग फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, समझ में आ रहा है बेटा? तो ये या ऐसे भी बोल सकते हैं, फोर्स, अप्लाइंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास, मास जितना मास बढ़ेगा तो उसके तुलना में उसके प्रोपोर्शन में ग्रेविटेशन फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है, रेडिया जितनी कम होगी उसकी तुलना में, हमें यहाँ पे देखिए बेटा इनवर्स प्रोपोर्शन देखा था ना, इनवर्स प्रोपोर्शन, तो यहाँ पे उतनी ही तुलना में ग्रेविटेशन फोर्स भी यहाँ पे बढ़ेगा। सिंपल सा देखिए बेटा, यहाँ पे सोचिए, डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ कर यहाँ पे हमें खुद प्रैक्टिस करना है, करके देखना है। तो झट से तुम यहाँ पे एक जो हमने आज पढ़ा है वो वहां पे समझ में आएगा इजीली, इट्स वेरी इजी। केवल यहाँ पे एक बार सही ढंग से उसे रीड कीजिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर पूछना है। तो चलिए आज यहाँ पे हम रुकते हैं, थैंक यू।